हेलो दोस्तों, देखिए आज फिर मैं हाजिर हूँ अपने गार्डन में और आज आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए तरोई। और पहली हार्वेस्टिंग है तरोई की, इतनी सुंदर तरोई है। ये देखिए, ये भी है एक, ये दो तो तैयार हो गया है। और देखिए ये छोटे छोटे लगे हैं। ये देखिए ये भी छोटा सा हो रहा है, ये ऊपर भी है। काफ़ी तरह लगी है, 3-4 दिन में फिर हो जाएगा ये। और ये देखिए इधर भी है। और ये देखिए ये लगा है हमारा, इसमें तो थोड़ा ख़राब भी होने लगा है, शायद इसमें कोई झुकनी है, इसमें झुकनी में बीमारी लग गई है। देखिए सूखने लगा है, अब इसका उपचार करेंगे। फिर भी 2-4 झुकनी लगी है। ये देखिए ये लगी है, ये है, ये झुकनी है, काफ़ी झुकनी लगी है। अभी इस पर नीम ऑयल स्प्रे करेंगे। कल हमने थोड़ा सा राख डाला था, लेकिन हमें लग रहा है कि कीटनाशक नहीं है, इसमें बीमारी है, कीटाणु नहीं बीमारी है, कोई बीमारी लगी है। ये पत्ते भी वाइट वाइट हो रहे हैं, तो इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। ये देखिए सेम लगा था इसमें, ये 2 सेम भी तैयार हो गए हैं, ये भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और ये तो बहुत है अभी हार्वेस्टिंग के लिए। ये देखिए ये तो गुच्छे में लाल लाल होता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बैगन भी तैयार हो गए, तो मैं सोच रही हूँ ये भी वाइट वाले बैगन, देखिए इधर है। ये देखिए ये बैगन है, ये देखिए तैयार है, ये बैगन है। बंदर बहुत परेशान करते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से इसको ढक के रखना पड़ता है। अब ये देखिए देसी टमाटर, ये भी तैयार हो गया है। ये देखिए हल्का पीला रहता है तभी मैं तोड़ लेती हूँ, नहीं तो जहाँ लाल हुआ तुरंत बंदर अटैक करते हैं। तोड़ लिया, चलिए और देखते हैं बाकी हार्वेस्टिंग, ये सब बाद में करेंगे, कल करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार। और आपको हमारा ये गार्डन की हार्वेस्टिंग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। नमस्कार।